आज बहुत आधुनिक टाइम आ गया है कि जमाना बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा स्पीड से। साइंस भी बहुत आगे बढ़ गया है, लेकिन हमारी सोच नहीं बदली। हमारे अंदर जो भेद की भावना है लड़का और लड़की के अंदर, वो नहीं मिटा पाई, वो समाप्त नहीं हुआ, वो गैप खत्म ही नहीं हो रहा। खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। जब पहला बच्चा होता है, माँ बाप सोचते हैं, परिवार वाले सोचते हैं, लड़का होना चाहिए, हमारे भी लड़का हुआ था, हमारे तो लड़की हुई ही नहीं, तो हमारे परिवार में तो लड़का ही होगा। और उस घर में बाई चांस परमात्मा की भेजी हुई लड़की आ जाए, तो उनके फेस देखो आप कैसे हो, रोना शुरू कर देते हैं। लड़की के पैदा होते ही रोना शुरू कर देते हैं, हमारे तो लाइन लग गई, कैसी बहू आई है हमारे घर में, लड़की पैदा कर दी इसने तो। वो उसके वहां आई थी, उनके शादी हुई थी, 1 साल भी नहीं हुआ था, लड़का हो गया उनको। हमारे रिश्तेदारी वहां आई थी, आते ही 2 लड़के हो गए उनको, मौज कर रहे हैं। अरे लड़की हो गई तो मौज नहीं होगी क्या? ये कैसे प्रश्न करते हो आप? ये आपके दिमाग में क्या गंद चल रहा है, क्या भरा हुआ आपके दिमाग के अंदर, क्या विचार शैली है ये? क्या महिलाएं, क्या लड़कियां ऑफिसर नहीं बन सकती क्या? क्या ये ऊंचे पदों के ऊपर नहीं बैठ सकती क्या? विश्व में कौन सा ऐसा पद है जहां तक महिलाएं नहीं गई? हमारे भारत के अंदर कौन सी ऐसी जगह है, कौन सा ऐसा पद है जहां महिलाओं ने राज नहीं किया? रानी लक्ष्मीबाई से लेकर के इंदिरा तक गवर्नर से लेकर के आईएएस तक, किस क्षेत्र में हमारी लड़कियों ने काम नहीं किया बताओ आप? हर क्षेत्र में आगे हैं, टॉप कर रही हैं, बिल्कुल हर क्षेत्र में लड़कों को पछाड़ रही हैं, लेकिन हमारी सोच निम्न स्तर की वहीं तक है कि नहीं, हमारे घर तो लड़की पैदा हो गई, हमें तो लड़का चाहिए। जब वो दूसरी बार प्रेगनेंसी होती है ना, तब खेल शुरू हो जाता है। सब अपने अपने हिसाब से दवाइयां, डॉक्टर, वैद्य, तांत्रिक, हकीम, आसपास के सब डॉक्टर हो जाते हैं कि मैंने अपनी बहू को वहां से दवाई दिलवाई थी, वो नारियल का बीज देता उससे होता है, वो इस चीज के अंदर दवाई देता तब लड़का होता है, वो एक पुड़िया देता तब लड़का होता है, वो वहां से राख देता है तब लड़का होता है। अरे कौन से युग में जी रहे हो आप? पीछे तो एक रामदेव जी की भी वो वायरल हुआ था कि ये भी लड़का होने की दवाई देते हैं। बड़ी अजीब बात है, बड़ी अजीब बात है। आपकी सोच कहां तक चली गई है, कहां तक चली गई कि उसका अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। मैं पीछे पढ़ रहा था, एक जगह पेपर में आया था, चलती गाड़ी के अंदर अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं लोग, कि गाड़ी चल रही उस गाड़ी के अंदर अल्ट्रासाउंड की मशीन लगा रखी और चलती गाड़ी में अल्ट्रासाउंड करके और तब उसको बता रहे लड़का है या लड़की है। क्या है भाई ये? क्या ये हमारा जो समाज है कभी नहीं सुधरेगा?
क्या ये जो बराबर की भावना है ये कभी नहीं आएगी? हम बात तो करते हैं अमेरिका की, हम बात तो करते हैं कल्पना चावला की, हम बात तो करते हैं महिलाओं को आगे बढ़ाने की, हम बात तो करते हैं लड़कियों को आईएएस की चेयर के ऊपर बैठाने की, हम बात तो करते हैं कि ये हमारी बेटी नहीं बेटा है, लेकिन जब बात आती है हृदय से स्वीकार करने की, हृदय ये स्वीकार ही कभी स्वीकार ही नहीं कर पाता कि ये मेरा बेटा है बेटी नहीं, स्वीकार ही नहीं कर पाता। इतना भेद हो गया है, इतनी दूरी हो गई है कि लड़की भी ये समझने लगती है कि ये मेरा घर ही नहीं है, मुझे तो छोड़ के जाना है, कि मैं यहाँ रह, मैं तो कुछ दिन की मेहमान हूं यहाँ, ये सोचने लगती है। क्या ये उचित है? क्या ये सही है? क्या उसका घर नहीं है? क्या उसके माता पिता नहीं है? क्या वो आपसे पैदा नहीं हुई है? क्या वो आपसे प्यार नहीं करती? क्या वो अपने फर्ज पूरे नहीं करती? क्या वो अपना 100% नहीं दे रही? क्या वो लड़के से अच्छी नहीं है? क्या वो आपकी सेवा नहीं करती? क्या आपके वो सपने पूरे नहीं कर रही? तो क्यों इतना उसको पराया किया जाता है? और क्यों बाहर के लोगों की सुन करके इतना गुस्सा जो लड़की की माँ के ऊपर उतारा जाता है, मारा पीट तक की जाती है उसके साथ, बदतमीजी की जाती है। और अगर डॉक्टर ने लड़का बता दिया, सब ने लड़का बता दिया, पंडित पुजारियों ने लड़का बता दिया, क्योंकि उनको दिखाई नहीं देता ना कि सच क्या है, कुछ लोगों को दिखाई देता वो बोल देते हैं ऐसा होगा, आगे भविष्य को देख करके ताक झाक करके बोल देते हैं। कोशिश करनी चाहिए ना बोला जाए, लेकिन कुछ बोल भी देते हैं। अगर बाई चांस दूसरी लड़की पैदा हो जाए, अल्ट्रासाउंड में लड़का दिखाया गया हो, परिवार के अंदर जो गम छाता है, जो परिवार टूटता है, जो उम्मीदें टूटती हैं, जो चारों तरफ के लोग हालात करते हैं लड़के के साथ, उसकी वाइफ के साथ, परिवार के साथ, जो रिश्तेदार उनको पीछे पड़ते हैं, इतना बड़ा परिवार कौन संभालेगा? इतनी महंगाई में क्यों इतने बच्चे पैदा कर रहे हो? चेक क्यों नहीं कराया? वो बोलते, अरे चेक भी करवाया था, दवाई दिलवाई थी, परमात्मा की मर्जी को कौन टाल सकता है? वो बोलते हैं, फिर चेक करवाया था तो क्या बताया था? वो कहते, अरे लड़का ही बताया था, गलत चेक करवाया तुमने, मैं लेकर चलती हूँ अब की बार उस डॉक्टर के, मैं चेक करवा के लाऊंगी, मैंने चेक करवाया था, मुझे लड़का ही बताया था और लड़का ही हुआ, मैंने 10 को और चेक करवा दिया, उसको भी उसको भी उसको भी, और सबको लड़के हुए हैं, अब की बार मुझे बताना, मैं लेके चलूंगी और पक्का इलाज करवा के लाऊंगी आपका। और अगर बाई चांस एक बार फिर परमात्मा वही नौबत पैदा कर दे, बस फिर तो समझ लो परिवार, घर, लड़का भी डिप्रेशन में, लड़की की माँ भी डिप्रेशन में, लड़की के दादा दादी भी डिप्रेशन में, रिश्तेदार भी डिप्रेशन में। और ये बोलते हैं लड़कियों का, हमारा जो घर है ना, बस लड़कियों का ही भर गया हमारा, तो हमारे लड़का नहीं होगा। अरे लड़का चाहिए क्यों आपको? किस लिए भाई? क्या अलग करेगा लड़का? लड़कियां इतना प्यार करती हैं, इतना साथ देती है, कोई नहीं दे सकता। अगर खाना खाती हो 10 काम की बोलो, खाना छोड़ करके काम करती है, कभी मना नहीं करती, आपको पलट करके जवाब नहीं देती, कभी कभी भी नहीं, जो आप बोलते हो वही करती हैं। अगर उसने आपसे 1,000 रुपये मांगे और आपने 100 दे दिए,
लड़की मुड़ के बोलती नहीं कुछ भी कि बेटा देख लो बस इतना। आप समझ नहीं रहे भावना को, आप कदर नहीं करते उन बच्चियों की, आप खेल रहे हैं। अगर कोई डॉक्टर लड़की बता दे तो अबॉर्शन करवा देते हैं, गर्भ में ही समाप्त करवा देते हैं लड़की को, अंगों को काट काट करके निकाला जाता है, पैदा होने से पहले ही मार दी जाती है। कितना दर्द झेलती हैं ये कन्याएं, कितना परेशान रहती हैं ये, इनका जीवन गर्भ में ही संघर्ष शुरू हो जाता है। अरे कम से कम परवरिश तो अच्छे से कर दो, पालन पोषण तो अच्छे से कर दो। गर्भ में लड़की बताते ही माँ के साथ भी व्यवहार चेंज हो जाता है, ये क्या है? आपको अपनी सोच बदलनी चाहिए, आपको अपना मन बदलना चाहिए, आपको अपनी लड़कियों से प्यार करना चाहिए, लड़कों के बराबर खड़ा करना चाहिए। किसी भी क्षेत्र में देखिए, गेम में, पढ़ाई में, ऑफिसर में, किसी भी रैंक पे देखिए, अब तो सीमा के ऊपर भी देखिए, देश की सीमा के ऊपर, बॉर्डर के ऊपर, वहां लड़कियां 47 ले करके देश की सुरक्षा कर रही हैं। क्या वो हमारी बेटियां नहीं हैं? क्या वो बेटियां बेटों से कम हैं? तो हमें अपनी सोच बदल के और इसके ऊपर काम करना चाहिए और इस सोच को सीमित नहीं रखना चाहिए, इसको आगे बढ़ाना चाहिए कि हमारी तो बेटी बेटा ही है। जिसको एक बच्चे की आवश्यकता है वो लड़के की उम्मीद न करके लड़की की उम्मीद करे, ये एक श्रेष्ठ समाज का निर्माण होगा। और आपको देख करके उस बच्ची की ऐसे परवरिश करो, ऐसे परवरिश करो कि वो लड़कों को भी पीछे छोड़ दे और इतनी आगे चली जाए कि उसके नाम से लोग आपको जाने कि अरे ये तो उनके माता पिता हैं, वो तो बहुत अच्छी लड़की है। संस्कार दो, सही मार्ग का ज्ञान कराओ, पढ़ाई की ओर दिशा दो, लाइफ के बारे में सिखाओ, लड़की आपको रिजल्ट देगी, प्यार देगी, आपको सोचेगी नहीं, सब कुछ छोड़ देगी आपके लिए, लड़का नहीं छोड़ पाएगा। तो अपनी सोच को बदलो, अपनी मेंटलिटी को सुधारो और जो ये चल रहा है कि बस लड़का ही चाहिए, ये बिना बदले ये बराबर का जो लेवल है वो नहीं हो पाएगा। और लड़के लड़की में समानता सबसे जरूरी है, जब तक हम समान नहीं समझेंगे परिवार का ही बैलेंस नहीं होगा, समाज का तो बैलेंस बनना बहुत दूर की बात है। तो हमारी बेटियों को हमें समानता का अधिकार देना चाहिए। आप सोचते होंगे मैं वैसे ही बोल रहा हूँ, हमारे भी बेटी, आप बात कर लेना उससे कि उसको कितना प्यार मिला, कितना क्या मिला, आपको पता चल जाएगा, वो अपने आप ही बता देंगे सब कुछ। हम पहले करते हैं फिर बोलते हैं। तो आप भी इसी प्रकार से ध्यान करिए इन चीज़ों का और बराबर का हक और अधिकार दीजिए उनको।